जेके न्यूज़ टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत ठाकुर। इस समय की सबसे बड़ी खबर जो है वो हम आपके साथ शेयर करने आए हैं। दिल्ली में आज एक हाई सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हो रही है जिसमें अजय भल्ला जो हैं यूनियन होम सेक्रेटरी जो हैं वो इसको चेयर कर रहे हैं और इसमें जो है सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो बड़े आला अधिकारी हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। और यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में इस समय सिक्योरिटी के हालात को, जो इस समय सिक्योरिटी की सिचुएशन बनी हुई है, उस पर किस तरीके से आने वाले दिनों में काम होगा और यहाँ पर इस समय जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ये मीटिंग जो है वो आज दिल्ली में इस समय चल रही है। और जिस तरीके से जेके न्यूज़ टुडे आपको लगातार अपडेट दे रहा है और जब हम आपके साथ इस समय लाइव जुड़े हैं, इस समय भी ये मीटिंग अभी तक चल रही है और जो मेन इश्यूज़ जो हैं इस पर जो उठाए जा रहे हैं, हम आपको बता दें कि खासकर जम्मू कश्मीर में पिछले कई महीनों से आप लगातार देख रहे हैं कि ड्रोन एक्टिविटीज़ जो यहाँ पर LOC पर, जो IB पर, जो जम्मू के IB पर और LOC पर भी लगातार जो खतरा मंडरा रहा है, उसको देखते हुए आज यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला जो हैं एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग जो है वो कर रहे हैं। और इसमें जो मेन इश्यूज़ जो रहने वाले हैं, हम आपको बता दें कि ड्रोन जो है वो सबसे बड़ा इशू यहाँ पर रहने वाला है कि ड्रोन थ्रेट्स जो लगातार यहाँ पर जो ड्रग सप्लाई होती है, जो आर्म्स यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो आते हैं, उसको लेकर जो है सिक्योरिटी एजेंसी जो है बहुत ही चिंता जता रही हैं कि पिछले कई वक्त से ये चीज़ें लगातार हो रही हैं मगर कहीं ना कहीं इस पर जो है पकड़ बनाने में जो है कहीं ना कहीं अभी एजेंसी जो है विफल रही हैं। और जिस तरीके से ये चीज़ें लगातार बढ़ रही हैं वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए चिंता बनी हुई हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि कश्मीर में जिस तरीके से जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कैसे थ्रेट्स वहाँ पर जो है माइनॉरिटीज़ को दे रही हैं, वो भी एक बड़ा चिंता का बाइस बना हुआ है। और आप देख रहे हैं पिछले कई महीनों से लगातार जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो एम्प्लॉयज़ हैं जम्मू में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो रीलोकेशन की भी मांग कर रहे हैं। जैसे नई स्ट्रेटजी जो आतंकी अपना रहे हैं उसको लेकर भी यहाँ पर मंथन होगा इस सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में, खासकर जम्मू कश्मीर को लेकर आने वाले वक्त में। यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव की भी बात की जा रही है उस पर भी बात होगी कि अगर अगले साल चुनाव यहाँ पर किए जाएंगे तो किस तरीके से वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर सही होनी चाहिए और कैसे यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को और साथ में जो है यहाँ पर सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शंस कराए जाएं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है डिस्कशन होंगी। हम आपको बता दें कि जो मीटिंग में इस समय जो बड़े आला अधिकारी जो जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर के DGP जो हैं वो भी इस समय दिल्ली में हैं, इसके अलावा BSF के और CRPF के आला अधिकारी जो हैं वो भी इस मीटिंग में हैं, इसके अलावा जिस तरीके से हम कहें इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो आला अधिकारी हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के हवाले से जो है ये मीटिंग जो है काफ़ी अहम रहने वाली है और इसमें और क्या क्या बातें जो है वो निकल कर सामने आएंगी वो मीटिंग ख़त्म होने के बाद हमें पता चलेगा। मगर जो मेन पॉइंट्स हैं हम आपको बता दें फिर से, जिस तरीके से लगातार अब सर्दियों का मौसम अब आ रहा है, आस्ता आस्ता बर्फ़ भी पड़ने वाली है पहाड़ी इलाकों में और आतंकी गतिविधियाँ जो हैं इस समय में लगातार बढ़ जाती हैं, तो उसके मद्देनज़र भी ये मीटिंग अहम रहने वाली है। इसके अलावा IB पर जिस तरीके से लगातार ड्रोन एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, यहाँ पर आर्म्स की स्मगलिंग जो पाकिस्तान से हो रही है और लगातार ड्रग्स यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर जो सप्लाई हो रहे हैं पाकिस्तान से, उस पर अंकुश लगाया जाए, उस पर सारी स्ट्रेटजी रहने वाली है। उसके अलावा आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में चुनाव किस तरीके से होंगे उसको मद्देनज़र रखते हुए भी सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं कहीं ना कहीं अपना रोड मैप बनाएंगी कि आने वाले वक्त में उनको किस तरीके से यहाँ पर काम करना है। और ख़ासकर जब आतंकी जो हैं लिस्ट निकाल कर जब यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को धमका रहे हैं, वो एक बड़ी चिंता रहने वाली है, वो भी इस सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में जो हमारे यूनियन होम सेक्रेटरी हैं अजय भल्ला चेयर कर रहे हैं उसमें ये डिस्कशन होगी। तो किस तरीके से ये पूरी मीटिंग रहने वाली है उस पर हम आपको दोबारा से अपडेट देंगे जब ये मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, मगर जेके न्यूज़ टुडे हमेशा ही आपको आगे रखता है और कहीं ना कहीं जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट होती है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं।
तो ये भी एक बड़ी अपडेट जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है कि आज यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला एक बड़ी मीटिंग को चेयर कर रहे हैं, खासकर जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के हवाले से। उसमें जो मेन इश्यूज़ रहने वाले हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो मेन इश्यूज़ रहने वाले हैं ड्रोन एक्टिविटीज़, सिक्योरिटी को लेके, और जो आतंकियों की तरफ से जो थ्रेट्स आ रही हैं, वो इसमें मेन इश्यूज़ रहने वाले हैं। आप जुड़े रहें जेके न्यूज़ टुडे के साथ।